तो आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी डेली जॉब अपडेट पर गाइस आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आई टी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आई टी आई से संबंधित सभी प्रकार की जॉब अपडेट की लेकर आता हूं। आज आप लोगों को पता है कि डी आर डी ओ सेप्टेम्बर 10 टेक का जो पर शिफ्ट का एग्जाम है वो खत्म हो गया है, और जैसे ही एग्जाम देके बच्चे बाहर आए हैं तो उन्होंने कई सारे क्वेश्चन मुझे भेजे हैं जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। गाइस पेपर काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत ईजी पेपर आ रहा है, ज़्यादा ईजी भी नहीं बोल सकते, ईजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। बाकी जो जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं उनमें से क्वेश्चन आप लोगों को 100% बैठे हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन सा पेपर आ रहा है। उससे पहले हम देखेंगे कि आप लोग जो हैं सबसे पहले वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करके आ जाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पेपर पता लग सके कि सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और आने वाले जो पेपर हैं 7, 8, 9, 10 और 11 तारीख को वो कैसे पेपर रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखिएगा डी आर डी ओ सेप्टेम्बर 10 6 जनवरी पर शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं उसमें से पहला क्वेश्चन भेजा है एक बच्चे ने कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है कि हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर भेजा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप लोगों को पता होगा अच्छी तरह से 1885 बहुत बच्चों को याद था, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हो सकता है वहाँ पर डेट भी दी हुई हो या हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर थी गाइस। बैटरी कैपेसिटी किसमें मापी जाती है, तो एम्पियर हावर बैटरी की कैपेसिटी किसमें मापी जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और बैटरी का तो मैंने आप लोगों को टॉपिक करवाया हुआ है, बैटरी वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने बताया है कि बैटरी का पूरा कंप्लीट कर जाना। अब हम देखते हैं किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है ट्रांसफार्मर से, जो थे टोटल 7, और ट्रांसफार्मर का पूरा टॉपिक मैंने 8 वीडियो सिर्फ आप लोगों को करवाई थी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके के वो वीडियो देख लेना, आपका आने वाले टाइम में अगर एग्जाम है तो आपको काफ़ी हेल्प होंगे क्योंकि बच्चे ने बताया है कि 6 से 7 क्वेश्चन सर देखने को मिले ट्रांसफार्मर से। अब आप मायने रखते हैं 6 से 7 क्वेश्चन टोटल 80 में से 7-8 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन आपके सिर्फ में अगर आ जाते हैं ट्रांसफार्मर से, जो कि एक बहुत ईजी टॉपिक है, आप इजीली याद कर सकते हैं। इसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर उसने मोटर से बताए हैं, मोटर में अलग अलग प्रकार की मोटर होती हैं तो उन सभी मोटर से मिला करके 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके बाद लेड एसिड एंड बैटरी, तो आप याद रखिए ट्रांसफार्मर मोटर और लेड एसिड बैटरी ये टॉपिक रट लो गाइस। यहाँ से चार या पाँच क्वेश्चन देखने को आपको मिले हैं, 4 से 5 बच्चे कन्फर्म नहीं बता पा रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हड़बड़ाहट थी, कई बच्चों का पहला एग्जाम था तो उनको क्वेश्चन याद नहीं रहे ऑनलाइन एग्जाम देने के चक्कर में गाइस। तो अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हैं, जैसे ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो तीनों शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस लेकर मैं आपके लोगों के लिए आ जाऊँगा। लेड एसिड बैटरी रट लो, बहुत छोटा टॉपिक है और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। अल्टरनेटर तो मैंने अभी परसों के दिन ही आपको टॉपिक कराया है पूरा, अल्टरनेटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों इसको लगाया जाता है, क्या इसकी संरचना होती है, सब कुछ मैंने आपको बताया है अल्टरनेटर के बारे में, जिससे 2 क्वेश्चन थे। जनरेटर से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक याद रखना सभी यूनिट्स जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स होती हैं, सभी इकाइयाँ होती हैं, सबके मात्रक वो जरूर से याद करके जाना, वो भी वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर हम कहें ईडी से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कोई बच्चा कह रहा है कोई आए हैं, कोई बच्चा कह रहा है नहीं आए हैं, बाकी ईजी पेपर था, परसेंटेज लाभ हानि इन सब, अर्थमेटिक मैथ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उन सब करके जाइएगा। जैसे ही तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन इकट्ठे होते हैं तो कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं डीआरडीओ का या देकर आए हैं तो अभी जो है टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट कर दो अपने आंसर्स और क्वेश्चंस, ठीक है, अपने क्वेश्चंस और आंसर कमेंट कर दो कि आपने आंसर लगाए हैं वो सब, उन सब का सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जॉब अपडेट, एक नई वीडियो डीआरडीओ एग्ज़ाम एनालिसिस से संबंधित के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।